मैं प्रोफेसर अर्चना HOD एंड इंचार्ज रंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट RGPG कॉलेज मेरठ। हम लोग प्रति वर्ष इम्प्रेशन के नाम से पिछले 12 वर्षों से एग्जीबिशन करते आ रहे हैं। ये हमारा 12th एडिशन है। हमेशा हम अपने कॉलेज में करते आए हैं। अब की बार MD ने हमें एक गैलरी प्रोवाइड करी है, इसमें हम बच्चों का काम किया है। और इसमें बच्चों के काम के अलावा कुछ कुछ कलाकार भी हैं, जैसे किरण प्रदीप मैम, पिंटू मिश्रा सर, मधु वाजपेयी जी, ऋषिका पांडे जी, और भी एक दो कलाकार हैं, उनका काम यहाँ डिस्प्ले है। साथ ही हमारे PG के बच्चों का काम यहाँ पर डिस्प्ले है। और इस एग्जीबिशन में आप देखेंगे कि सृजन के विभिन्न रूप आपको दिखाई देंगे। तो एग्जीबिशन का उद्देश्य ये है कि हम बच्चों का काम करते हैं और बच्चे कॉलेज तक से मिट के रह जाता है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आम जनता आए, देखे, तो बच्चों को भी एक्सपोजर मिले और इनका हो सकता है इनका कोई पेंटिंग बिक जाए तो इनका अर्निंग भी थोड़ा हो जाए। और इसके अलावा उनको एक्सपोजर इतना मिले कि अभी इस गैलरी से बदले में कल को ये दिल्ली पहुँचें, राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचें। तो ये उद्देश्य है कि बच्चों के का एक्सपोजर हो और उनमें एक ऊर्जा आए और वो जाने कि काम कैसा होता है। एग्जीबिशन का थीम हमने जैसे बताया, हम इम्प्रेशन के नाम से लगाते हैं कि सबका अपना इम्प्रेशन, सबका अपना स्टाइल है। किसी ने एक्रेलिक में काम किया है, किसी ने वाटर कलर में काम किया है, किसी ने फोक में काम किया है, किसी ने ट्राइबल में काम किया है, किसी ने रियलिस्टिक काम किया है, किसी ने एब्स्ट्रैक्ट में काम किया है। तो आपको यहाँ विभिन्न रूप दिखाई देंगे, तो हमने इसलिए इसको इम्प्रेशन नाम दिया। बहुत कुछ वर्क लगाया है हमारा, जैसे कोलाज है, हमारा स्कल्पचर है और पेंटिंग्स हैं हमारी। फिर हमारा सिलेबस वर्क है जो हमने अपने कोर्स के टाइम में बनाया था। हमारी मैम ने इस गैलरी में हमारी सभी पेंटिंग्स लगवाई और सभी देखने भी आए और हमें भी लगा के अच्छा लगा और हमें एक मौका भी मिला इस गैलरी में अपनी पेंटिंग्स लगाने का। हमारी फर्स्ट टाइम यहाँ आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन लगी है और हमने यहाँ पे हमारा बहुत सा वर्क लगाया है और हमें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा स्कल्पचर मार्क्स मतलब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कॉम्पोजिशन बहुत सारी पेंटिंग लगी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ये मेरी पेंटिंग है, ये ताजमहल की जो खूबसूरती है मैंने पेंटिंग में दर्शाया है। सर, कोई मैंने इसमें कलरिंग बहुत वाटर कलर की तरह इसमें एक्रेलिक यूज़ किया है, बहुत बारीकी से वर्क किया है मैंने इसको, बहुत उभारा। जैसे ताजमहल की खूबसूरती है वो बहुत सुंदर है, वाइट है, एकदम संगमरमर है। मैंने भी इसमें कलरिंग के साथ उसको उभारा है क्योंकि वो पूरा वाइट है और कैनवास वाइट होता है तो उसको वाइट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने इसे कलरिंग में निकालने की कोशिश करी है। बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए सब इजी है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप, इसमें एक्रेलिक कलर किया है, इसमें बहुत खूबसूरत से काम करा गया है बिना ब्रश के और हाथ से इसमें मर्ज कराया गया कलर। Thank you.
हम एज अ विजिटर इस आर्ट गैलरी में आए हैं और आते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी नई दुनिया में आ गए हों। बहुत ही सुंदर कलाकृतियां हैं यहाँ पर और एक से एक है, हम बता भी नहीं पा रहे हैं कि कौन सी जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। देखिए मुझे आर्ट्स का वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखने के बाद मैं स्पीचलेस हूँ। एक एक पेंटिंग इतनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो अभी बोलने को तैयार है। जो मेहनत की गई है यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना शब्द में बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हो। कॉलेज के चित्रकला विभाग के हम लोग सदस्य हैं, हम लोग फैकल्टीज हैं, है ना, प्रोफेसर्स हैं। हम लोग ने यहाँ पर ये एक एनुअल एग्जीबिशन होती है, एक एनुअल एग्जीबिशन जो हम बच्चों का वर्क प्रमोट करते हैं, ये बार एक कॉलेज में ही होती थी लेकिन इस बार हमने इसको बाहर निकाल के किया है और इसकी हमने एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है। डॉक्टर पूनम लता सिंह, ड्राइंग डिपार्टमेंट RGPG कॉलेज से। ये इस बार हमने इम्प्रेशंस 2023 एग्जीबिशन जो है चौपला आर्ट गैलरी MDA में ऑर्गेनाइज की है और ये हमारे प्रिंसिपल मैम का इनिशिएटिव था कि हम अपने बच्चों का काम शहर में ऐसी जगह एग्जिबिट करें जहां से लोग उसको एक्सप्लोर कर पाएं, देख पाएं, उसको बच्चों को मोटिवेशन मिले इससे। तो ये जो हमारा एक प्रयास है और जिसको आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने और DM सर ने इसका उद्घाटन किया और आज आप सब देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल पेंटिंग्स, बच्चों का टैलेंट आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने कितनी मेहनत से काम किया है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का काम शहर के सभी लोग देखें, जो कला प्रेमी हैं, जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, वो तो देखें ही देखें, साथ में जन सामान्य लोग भी उसको देखें और आकृतियों का आनंद। Thank you.